हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी और एकदम खस्ता करारी कचौरी। मेरे यहाँ से सुहाल भी बोलते हैं, जो कि हलवाई लोग बनाते हैं। मैंने भी हलवाइयों को देखकर ये रेसिपी सीखी है। और आइए आज चलते हैं ये बनाने के लिए, चलिए मेरे किचन में। और कम मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आइए चलते हैं किचन में। फ्रेंड, स्टार्टिंग में मैंने चार आलू ले लिए, छोटे छोटे बॉईल करके रख लिए हैं। और कढ़ाई में तेल डालते हैं थोड़ा सा, ये देखिए एक चम्मच। तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। आइए इसमें डालते हैं जीरा, थोड़ा सा जीरा। डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, हल्दी पाउडर, ये देखिए। एक पैकेट सब्जी मसाला डालते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है सब्जी मसाला। थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा आधी चम्मच गरम मसाला डालते हैं, और थोड़ी सी हींग डालते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। मसाले को चला लेते हैं थोड़ा सा। सूखे मसाले तेल में बहुत जल्दी भुन जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसको एकदम लो फ्लेम पे ही भूने, हाई फ्लेम पर ना भूने, नहीं तो मसाले जलने का डर रहता है। और अब आइए डालते हैं इसमें आलू। मैं आज हलवाई स्टाइल सब्जी बनाने जा रही हूँ, आइए देखते हैं हलवाई कैसे बनाते हैं। आलू हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। अब आइए इसमें डालते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी। आलू हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब आइए डालते हैं इसमें आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा नमक। फ्रेंड्स, देखिए हमारे मसाले सारे आलू में मिक्स हो चुके हैं। आइए इसमें डालते हैं पानी। आलू हमारे पहले से बॉयल हैं, पके हुए हैं। अब इसमें पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाने देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है, ये देखिए पानी भी अच्छे से पक चुका है। अब आइए इसमें डालते हैं, ये खाने वाला एक चम्मच है, इसमें नींबू का रस डालते हैं। इसका फ्लेवर इतना प्यारा आता है, आप एक बार डाल के देखिए। बस इतना, ये देखिए इतना नींबू का रस डाल दीजिए आप उनके ऊपर, और इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही टेस्टी, आपको खाने में अलग ही स्वाद लगेगा। और हमारी आलू अच्छे से पक चुकी हैं, आइए उनको प्लेट पर निकालते हैं। जब मैंने आलू बनाई हलवाई स्टाइल, तो हलवाई स्टाइल में पूरी बनाना बताऊँगी। पूरी बनाने के लिए ये इतना बड़ा आटे, ये गेहूं का आटा है, गुथा हुआ है, मैंने पहले से गूथ के रख लिया। इसको बनाने के लिए इतना बड़ा पेड़ा लेना है हमको, और हल्का थोड़ा सा बेलना है, थोड़ा सा। और इसमें ये भरने के लिए, ये उड़द की दाल है, इसका मसाला मेरे YouTube में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बहुत पहले, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और इसको इसमें इस तरीके से भर के इसको ऐसे कवर कर देना है, इसको अच्छे से बंद करके इस तरीके।
अब इसको बेल लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा पूरी बेल चुकी है। अब ये देखिए इसमें कांटे से इसको होल बना देते हैं जिसमें कि ये फूले ना और क्रिस्पी बने। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो जाए फ्रेंड्स, देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। आइए इसमें डालते हैं पूरी। इसको धीमी आंच पे ही सेकना है तभी ये क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी जब तक सिक रही, लाल हो रही, तब तक एक और हम बेल लेते हैं। इस पर मैंने पहले से भर के रख लिया है। आपको मैं सॉफ्ट कट खाना बनाना सिखा रही हूँ। इसको भी बेल लेते हैं जब तक इस पूरी पर भी नज़र रखते रहें कि ये जले ना। ये अच्छे से लाल हो चुकी है, इसको पलट पलट कर सेक लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये पूरी सिक के लाल हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी हो गई। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर रोके रखते हैं, एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में चला जाए। अब इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसमें भी उसी तरह प्रोसेस है जिसमें कि फूले नहीं और क्रिस्पी बने। और इसको भी अब डाल देते हैं कढ़ाई में। फ्रेंड्स, ये दूसरी पूरी भी मेरी पलट पलट कर हमने सेक लिया है, तैयार हो चुकी है ठीक के। अब इसको निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, ऐसे प्लेट में निकालते हैं। आइए फ्रेंड्स, अपनी कचौरी को मैं काट लेती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कचौरी भी कट के तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी आलू हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है। और ये क्रिस्पी कचौरियाँ हैं, ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। इस तरह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, इसके साथ आप खाएँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपका आपके पास यदि दही हो तो इसमें दही डाल के खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे पास इस समय दही अवेलेबल नहीं है, सो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।